हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। साथियों, सभी भाई बहनों, मित्रों, साथियों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियस पे, जहां हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन कंपटीशन का तैयारी करते हैं घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉपिक है अपना क्या है, डेली करंट अफेयर न्यूज बाय रवि प्रकाश। तो आज 9 जुलाई 2020 है और 9 जुलाई 2020 का जितना भी करंट अफेयर बना है मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ और आप लोगों के बीच प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो साथियों, ये सेशन SSC CGL CPU MTS बैंक RRB IBPS क्लर्क रेलवे NTPC ग्रुप डी पुलिस एंड स्टेट और जितना भी एग्जाम्स है सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन मैं कराता हूँ और साथियों इस टॉपिक से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बात करते हैं, PDF चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जीके भाई रवि जी के। तो क्वेश्चन क्या है, बिना देरी के क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के पास समय है मैं जानता हूँ। तो साथियों प्लीज आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जिनसे साथियों प्लीज सब्सक्राइब कर ले, प्लीज शेयर कर दें। 7 जुलाई 2020 को भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया के साथ समझौता किया। नेक्स्ट, किस निजी संगठन ने संकट ग्रस्त लघु मध्यम उद्यमों की मदद के लिए सहायता पहल शुरू किया। वाधवानी फाउंडेशन ने सहायता पहल शुरू किया। अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा अपने कॉपी में ताकि एग्जाम्स के समय रिविजन करने में आप लोगों को आसानी हो। 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए के समग्र पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1, बी में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र UN यानी यूनाइटेड नेशन को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता छोड़ने के लिए अपने निर्णय की अधिसूचना जारी किया है। तो USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले 2 देशों जिन्होंने खसरा रोग को वर्ष 2023 तक के लक्ष्य से समाप्त कर दिया, तो ये मालदीव तथा श्रीलंका। भारत ने अक्षय ऊर्जा की 87 गीगावाट क्षमता हासिल किया है और पिछले कितने वर्षों में 226% की वृद्धि हुई है। तो पिछले 5 वर्षों में मित्रों 226% की वृद्धि हुई है और अभी भारत ने अक्षय ऊर्जा की 87 गीगावाट क्षमता हासिल किया है। कितना, 87 गीगावाट। नेक्स्ट, 8 जुलाई को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और किस तकनीकी कंपनी ने अगले 12 महीनों में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक साझेदारी की घोषणा किया। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। 8 जुलाई 2020 को किस व्यक्ति ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के तहत वी द रिवाइटल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड इस विषय पर 3 दिवसीय भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 जुलाई 2020 को मोदी जी के द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के तहत बी द रिवाइटल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगला, 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राशि के साथ एक नए कृषि अवसंरचना कोष नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्त वर्ष 2029 तक की अवधि के लिए अपनी मंजूरी दिया। तो ₹1,00,000। और आगे बात करते हैं, व्यक्ति विशेष में क्या है, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, NJT श्रीनिवास। और ये कहाँ बना है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसे नीति आयोग 2015 में था उसी तरह गुजरात में NJT निवासन जी को इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष बनाया गया है। किनको, NJT श्रीनिवास जी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष कौन बने हैं, न्यायमूर्ति BL भट्ट। 15 जून से अगले 3 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन, 34वें वर्ल्ड आर्किटेक्चर कम्युनिटी अवार्ड 2020 में जूरी पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं, वास्तुकार श्रीजीत श्रीनिवास। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर प्राइज 2020 के विजेता कौन बने हैं, लिंटन क्वेसी जॉनसन, कवि कलाकार है और इनको प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर प्राइज 2020 के विनर बने कौन, लिंटन क्वेसी जॉनसन। अगला है, स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री 2020 प्रतियोगिता के विजेता बने हैं, वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने घोषणा किया है कि डेस में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉजेन स्विट्जरलैंड। और राज्य विशेष में बात करें तो किस राज्य सरकार ने बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए निकारा सम्मान योजना शुरू किया, तो कर्नाटक
साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य से संबंधित भी क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा था एग्जाम्स में, रेलवे में खास करके। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू किया। कौन? नेकारा सम्मान। और ये योजना से संबंध में एक वीडियो आप लोगों को स्पेशली बनाकर आप लोगों को दूंगा साथियों बहुत जल्द। महाराष्ट्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1400 महिला कर्मियों की पहली महिला बटालियन को शामिल करने का निर्णय लिया? तो कोटाला, काटोल, नागपुर। और बायोलॉजी की बात करें तो योट्टा NM1 नामक भारत और एशिया का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना कहाँ? मुंबई, नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में। माइलैब कंपनी का पहला यंत्र जो कोरोना संक्रमण के लिए RT-PCR परीक्षण जैसे आणविक नैदानिक परीक्षणों की प्रक्रिया को स्वचालित करती है? तो कॉम्पैक्ट XL कीटाणु को मार सकने वाले UV अस्त्र नामक नैनो है। अल्ट्रा वायलेट UV उपकरण के विकासक अनंत मित्तल और शुभम येनावार IIT गुवाहाटी के छात्र। तो साथियों करंट अफेयर आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कुछ जीके बना है इससे करंट अफेयर मैं आप लोगों को पीछे कवर कर देखते हैं। हरित गृह वायु उत्सर्जन के संबंध से संबंधित पेरिस समझौता अपनाया गया कब? 12 दिसंबर 2015 को, लागू किया गया 4 नवंबर 2016 को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संस्था UNFCCC अपनाया 9 मई 1992, अलाउ किया गया 21 मार्च 1994 को। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान NMCG की स्थापना 12 अगस्त 2011। भारतीय ओलंपिक संघ IOA औपचारिक रूप से स्थापना 1927। तो ये था आज का करंट अफेयर, कैसा लगा जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय युद्ध। और हाँ साथियों, इस वीडियो का आप लोग PDF चाहते हैं हर क्लास का, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, GK वगैरह भी। तो धन्यवाद।